हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों और मुहिम में बड़ी भूमिका निभा रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने आप को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को आधी रात को आम आदमी पार्टी के इन बड़े नेताओं ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। आप नेताओं को भाजपा में शामिल कराने के बाद आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल पहाड़ और पहाड़ी आपके झांसे में नहीं आएंगे। ठाकुर ने आगे लिखा कि आम आदमी पार्टी की हिमाचल विरोधी नीतियों के विरुद्ध आप पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर व ऊना के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल सिंह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। ठाकुर ने इन आप नेताओं का भाजपा में स्वागत करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी जमानत जब्त होने की बात कहते हुए आगे लिखा कि आम आदमी पार्टी आपकी यूपी में भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है, हिमाचल में भी वही दोहराने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।